डायबिटीज यानी कि मधुमेह एक साइलेंट बीमारी है जिसके कारण अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए इसका उपचार बहुत जरूरी है। जो लोग अधिक मीठा, फास्ट फूड, ज्यादा कैलोरी वाला भोजन करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, वे इस समस्या से बहुत आसानी से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सावधानी बरती जाए और आयुर्वेद को अपना साथी बना लिया जाए तो मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको डायबिटीज को कंट्रोल करने के आयुर्वेदिक उपायों के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार हेल्थ मंत्र में। डायबिटीज को कंट्रोल करने के बारे में आयुर्वेद के ज्ञाता आचार्य बालकृष्ण जी कहते हैं कि आंवले का प्रयोग डायबिटीज में लाभदायक है। आंवला सबसे शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। इसमें क्रोमियम, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मददगार है। इसलिए जो डायबिटीज से ग्रसित हैं, उन्हें नियमित आंवले का सेवन करना चाहिए। शुगर के रोगियों के लिए त्रिफला चूर्ण एक आयुर्वेदिक दवा है। इसमें पाए जाने वाले तत्व ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित करने में मददगार हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण शरीर का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम होता है। डायबिटीज में नीम के पत्तों को चबाने और उसका रस पीने से भी लाभ मिलता है। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं, जो शुगर को कंट्रोल करने में मददगार हैं। बबूल का गोंद भी मधुमेह में असरकारी है। बबूल के गोंद का चूर्ण बना लें, फिर इसका 3 ग्राम चूर्ण रोज दूध के साथ लें, आराम मिलेगा। बेल की जड़ों के चूर्ण में इसके पत्तों का रस मिलाकर सुबह शाम खाली पेट सेवन करना भी डायबिटीज में लाभकारी है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए अमलतास के गूदे को गर्म कर गोलियां बना लें, इसके बाद 2 गोली सुबह शाम खाएं। आप मधुमेह में आराम के लिए दिव्य मधु नाशनी वटी के अलावा पतंजलि की अन्य दवाओं का भी सेवन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हेल्थ से संबंधित ऐसी ही जरूरी बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हेल्दी रहने के टिप्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।